इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, ये हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन है, यूनिट नंबर वन। इस कोर्स के आउटलाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉरपोरेट फाइनेंस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। कॉरपोरेट फाइनेंस इज द एरिया ऑफ फाइनेंस दैट डील्स विद सोर्स ऑफ फंडिंग, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉरपोरेशंस, द एक्शंस दैट मैनेजर टेक टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म टू द शेयर होल्डर्स, एंड द टूल्स एंड एनालिसिस यूज टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कॉरपोरेट फाइनेंस जो है वो फाइनेंस का एक ऐसा एरिया है जो कि डील करता है कि कंपनी को अपनी फंडिंग किन सोर्सेज से करनी चाहिए, कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप्स के फाइनेंसिंग करनी चाहिए, और मैनेजर्स को मैनेजर जो हैं वो कौन से ऐसे एक्शन लें जिससे जो कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो और जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। और ये एक ऐसा टूल है जो एनालिसिस करता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकती है टू गेन मैक्सिमम। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग बाय लोन और बोरोइंग फॉर अ टर्म ऑफ मोर देन वन ईयर बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स, बाय द फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग, by long-term loans, leases or bonds. It is done for usually big projects, financing and expansion of company, and such long-term financing is generally for high amount. Long-term financing वो financing होती है जिसकी duration या जिसका tenure जो है वो more than one year हो, और long-term financing जो है वो equity shares के ज़रिए भी की जा सकती है, debts के ज़रिए भी की जा सकती है। अक्सर का जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है वो कंपनी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करती है, जस्ट लाइक कंपनी अपनी जो मशीनरी को रिप्लेस कर रही है एडवांस मशीनरी के साथ, या कंपनी को एक्सपेंशन करना चाह रही है। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ये पांच सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्विटी कैपिटल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी फाइनेंसिंग के लिए जनरल पब्लिक को अपने शेयर जो है वो प्रेजेंट कर दे अलॉटमेंट के लिए। अदर वन इज प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस यूज लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू फंड strategic activities which can help in the long term success of a business. Similarly, long term finance can help a business in building synergies. Furthermore, long term finance comes with flexible prepayment options which allows them to repay them in a controlled manner. Overall, long term finance can help in the growth and expansion of a business. लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है वो बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि वो कंपनी अपनी मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए लेती है, और ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी में इजाफे का बायस भी बनते हैं। और इसका एक अदर बेनिफिट ये है कि इसमें जो लोन रीपेमेंट होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल टर्म्स पे होती हैं, और इस तरह जो है ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ये कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए बेहतरीन है। Disadvantages of long-term finance. First of all, long-term finance may come with certain conditions or regulations, especially long-term debt finance. Similarly, long-term finance can affect the capital structure of a business and may also affect some of its ratios. Due to the higher finance and regulations involved, long-term finance may also need additional monitoring and control to ensure proper operations. जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करती है तो जो लेंडर होता है वो अपनी बहुत सारी शर्तें सामने रखता है कि ये मेरी शरायत हैं जिस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो इन शरायत की वजह से जो कंपनी है वो डिसेबल भी हो सकती है, मतलब कि वो अनसिक्योर हो सकती है बिकॉज वो अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। इस तरह जो है कंपनी के डूबने के चांसेस भी होते हैं।
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डील्स विद रेजिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड लेस देन वन ईयर. इट इज़ रेज टू मीट द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. सोर्सेज ट्रेड क्रेडिट इंस्टॉलमेंट.